मेरी बुक भी पास करो मेरी। सॉल्व दी सम्स। क्या आ रहा है फर्स्ट का आंसर? एक्स रेज टू पावर 1/6। नेक्स्ट कर लियो। कैसे करेंगे सॉल्व? कैसे करेंगे सॉल्व? इसको लिख लो 4 रेज टू पावर 3। 4 रेज टू पावर -1 बन जाएगा। इसको भी कर लो 4 रेज टू पावर 3। इसे भी 4 रेज टू पावर 3 सॉल्व कर लो। ये आ जाएगा। ये क्या है आंसर? क्या आएगा इसका? ठीक है, नेक्स्ट करो। इसे अलग सॉल्व करो इसे, देन एड देयर आंसर्स। रूट नहीं, बार। टू पे है।
1.32 बार का क्या आंसर आ रहा है? ठीक है, सेकंड वाले का पॉइंट भी थोड़ी आएगा बेटे, ऊपर वाले की बात कर रही हूं मैं। अच्छा फोर्थ नहीं, मैं थर्ड में वो 0.35 बार की बात कर रही हूँ, उसको क्या आ रहा है पी बाई क्यू की फॉर्म में? थर्टी, दोनों का एलसीएम ले लो, जो दोनों के आंसर्स आ रहे हैं उनका एलसीएम लो। कौन सा सॉल्व कर रहे हो आप? ये 100/90 कहां से आया? आपने 1.32 बार को पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज करना कैसे करना पता है? करो फिर यहां सामने। इसका आंसर क्या आ रहा है? 99। एलसीएम लो इनका, इनका एलसीएम ले लो 90 और 99 का, देखो क्या आएगा। इसका आंसर क्या है? द रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। रूट टू की वैल्यू 1.414, रूट थ्री की वैल्यू 1.732। दोनों के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है? ये पहले भी किया हुआ है, ठीक है? ये कंप्लीट करो, इसका आंसर बताओ क्या आ रहा है। एलसीएम लो इसका, एलसीएम क्या आएगा? 11 एलसीएम लेके इतने सारे बैठे हो, एक किसी से सॉल्व नहीं हुआ अभी तक? अगला करो आप, देखते हैं। ग्राफ बनाओ दोनों का, क्या आ रहा है दिव्या आंसर? चलो आप नेक्स्ट करो, मैं देखती हूँ।
एलसीएम कितना आ रहा है? 990 आ रहा है एलसीएम, 990 आ गया एलसीएम। इससे इसको डिवाइड करोगे क्या आएगा? 11 आएगा। 11 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, वन थ्री, ठीक है, प्लस 350। कटिंग हो रही है, हो रही है, थ्री से कटिंग हो तो रही है, 3 5s are 15, 3 5s are 15, 3 3s are 9। बस और नहीं हो रही। 553/330 आ गया आंसर। नेक्स्ट करो आप, प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन ग्राफ। इसको कैसे प्लॉट कर रहे हैं? 1.5, 2.8, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई, मिला के क्या बन जाएगा? 1.5 कोऑर्डिनेट बन गया, 0.28। ऐसे सारे प्लॉट कर दो। नाउ ज्वाइन देम विद द लाइन एंड राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच वेयर द लाइन इंटरसेक्ट वाई एक्सिस। लाइन को प्रोड्यूस करके देखो वाई एक्सिस पे कहां कट कर रही है, उसके कोऑर्डिनेट बताने। करो स्टार्ट जल्दी। कोई बात नहीं, 2-2 का गैप ले लो। अगर वाई कोऑर्डिनेट पे 0.17 आ रहे हैं तो काफी बड़ा बनेगा ना, तो यू कैन टेक डिफरेंस ऑफ 2-2, 2-4-6-8 ले लो वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे 1-2-3-4 ले लो, वाई पे 2-4-6 इवन नंबर ले लो, ठीक है, उससे थोड़ा छोटा बन जाएगा। करो देखो, पॉइंट बताओ मुझे कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। अच्छा एक बात बताओ, अगर ए बी एक कोऑर्डिनेट है, एक कोऑर्डिनेट है ए बी, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस? ए बी, बी यूनिट्स। अब बी यूनिट है क्या? इसका मतलब ये है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज द वाई कोऑर्डिनेट, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई कोऑर्डिनेट इज, फ्रॉम वाई एक्सिस इज एक्स कोऑर्डिनेट। ये भी आ सकता है। अभी तो आपने मेरे को आंसर बताया ना इसका, कि इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या है? बी यूनिट। लेकिन ऐसे भी पूछ सकता है आपसे कि डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज नंबर 1 वाई कोऑर्डिनेट, नंबर 2 एक्स कोऑर्डिनेट, नंबर 3 10 यूनिट्स, नंबर 3 4 नन। तो ऑप्शन क्या आएगी? अरे बोल भी दो, क्या हो गया? डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या होगा? वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, 10 यूनिट्स या नन? वाई कोऑर्डिनेट। तो ऑप्शन देखनी पड़ेगी कि कोऑर्डिनेट दिया है तो वो भी लिख सकते हो, या वाई कोऑर्डिनेट का नाम दिया होगा तो वो भी आंसर हो सकता है। चलो जैसे भी बनता, बनाना तो है ही है। लाइन बन गई है। वाई एक्सिस को कहां कट कर रहा है? वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, कर नहीं रहा। मैं बताऊं आंसर, आप देखो आपके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर आ रहा है। अच्छा नेगेटिव में चला जाएगा, फिर
बात समझ आई? नीचे करो, हाँ हाँ नीचे करो, ऐसे जा रहे हैं। एक मिनट रुको, आंसर चेक करने दो, आप नेक्स्ट करो, तब तक एक मिनट आंसर देखने दो क्या कहते हैं। गलत नहीं है इसमें क्वेश्चन, कट कर रहे ये। वाई पे कट कर रहा है, 0.2 पे, 0.2 पे कट कर रहा है, ये देखो कर रहा है, ये देखो 0.2 पे कट कर रहा है, कर रहा है दिव्या, 0.2 पे कट कर रहा है, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट करो, ये भी ऐसे ही प्लॉट करके करना है, ये प्लॉट इसी ग्राफ में कर लो, दोबारा मत लिखो, इसी में कर लो अगर कर सकते हो, नहीं तो रफली ड्रॉ कर लो। जीरो कॉमा टू पे कट कर रहा है ये पॉइंट, लाइन लाइन वाई एक्सिस को 0.2 पे कट कर रही है, ये प्लॉट किए बिना नहीं आंसर आना आपको, प्लॉट करो इसे, बहुत इजी है, रेक्टेंगल बनाना है, लेंथ 6 है, ब्रेथ 5 है, एक कोऑर्डिनेट उसका ओरिजिन है और तीसरा कोऑर्डिनेट जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, रेक्टेंगल इस तरह से बताना है, हाँ नीचे बनेगा, कहाँ बनेगा ये रेक्टेंगल, थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब एक्सिस के ऊपर बनेगा और थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड वर्टेक्स, बात समझ आई, नीचे की तरफ बनना है, थर्ड क्वाड्रेंट में रेक्टेंगल बनाओ। किसका थर्ड क्वाड्रेंट क्या आ रहा है, 0 कहाँ आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहा है रेक्टेंगल, हाँ जी क्या बन रहा है इसका, ये ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा रेक्टेंगल, लेंथ होगी 6, लेंथ होगी 6, ये भी होगी 6, ये 5, ये 5, थर्ड क्वाड्रेंट में ये भी नेगेटिव है, ये पॉइंट -6, x -6 है, y 0 है, ये क्या आएगा -6, ये क्या आएगा 0, ये क्या आएगा, एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, अभी 2-3 इयर्स पहले अपने स्कूल के एग्जाम में ही आया था ये क्वेश्चन। अच्छा किसने कहा, ठीक है क्लियर है ये।
ये करो, आपने देखना है। क्या लिखा है? राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के लेफ्ट पे जाना है, फिर राइट ऑफ वाई एक्सिस जाना है ऑन एक्स एक्सिस। कहता है लेफ्ट पे जाना है या राइट पे जाना है, लेकिन रहना एक्स एक्सिस के ऊपर ही है। और एक्स एक्सिस पे क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट जीरो, वाई कोऑर्डिनेट जीरो है और कहता है एट अ डिस्टेंस ऑफ फाइव। तो आंसर क्या आएगा? 5.0 और -5.0, लेफ्ट का माइनस राइट का प्लस, तो दो कोऑर्डिनेट आएंगे 50 -50। ये करो, हाँ जी उन्हें ऐसा बोलो, ए पॉइंट की रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस। नहीं पता? जसलीन बोलो, 2, अबाउट वाई एक्सिस में सिर्फ एक्स का साइन चेंज होगा, वाई का क्यों किया? अबाउट वाई एक्सिस का मतलब है चेंज द साइन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। क्या बनेगा नेम, क्या है उसका? क्वेश्चन रीड करो। ए तो उसका ऑलरेडी नेम है, आगे रीड करो एंड नेम इट बी। बी बन गया 2.3। अब बोलो उन्हें ऐसा, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट ए अबाउट एक्स एक्सिस। नेम क्या है उसका? सी कोऑर्डिनेट हो गया -2.-3। प्लॉट भी करना हो सकता है या दिया हो नेम भी पूछ सकते हैं। अच्छा जो आपने बी कोऑर्डिनेट बताया है उसका एब्सिसा क्या है? 2। और जो आपने सी कोऑर्डिनेट बताया है उसका ऑर्डिनेट क्या है? कोऑर्डिनेट मींस वाई कोऑर्डिनेट -3। ठीक है, फाइंड बीटा, बीटा नेम है, कंफ्यूज नहीं होना। सो दैट एक्स इज इक्वल टू 1 एंड वाई इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। अगर ये इसके सॉल्यूशन है तो इसको क्या करेंगे? सॉल्यूशंस क्या करते हैं? सॉल्यूशन कहां से आते हैं? आप वैल्यू पुट करते हो एक्स की, वाई आ जाता है, तो दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, कहता है बीटा फाइंड करो, क्या करेंगे? एक्स को 1 पुट करेंगे, वाई को 1 पुट करेंगे, बीटा आ जाएगा। फाइंड करो, पुट एक्स एज 1 वाई एज 1,
ये भी वन, ये भी वन, बीटा की वैल्यू फाइंड करो। बीटा बी की लाइन इंक्रीज कर दो, दैट इज बीटा। एक क्वेश्चन किया था थोड़े दिन पहले, आपने इक्वेशन बतानी है जो इस पॉइंट से पास करती है, याद है? ऐसी इक्वेशन जिसमें x की वैल्यू a पुट करें और b को माइनस a पुट करें तो लेफ्ट साइड राइट के इक्वल हो जाए। आपको याद है आपकी बुक का एक क्वेश्चन है ऐसे ही, 2.7 से पास करती हुई इक्वेशन लिखो, टू इक्वेशन, x की वैल्यू x प्लस y, x की वैल्यू क्या 2, y की वैल्यू 7, क्या आएगा 9, दोनों का डिफरेंस ले लो, 2 माइनस 7 क्या आएगा, दो इक्वेशन बन गई। और बना लो 2x प्लस y, बताया था याद है, बुक का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल भी है और एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है। अब सेम वे में यहाँ पे नंबर की जगह ए और माइनस ए आ गया, एक्स प्लस वाई लिखे तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स ए वाई माइनस ए, ए माइनस ए क्या बन गया, जीरो। पर अगर माइनस करना हो दोनों को तो आंसर क्या आएगा, माइनस करना हो तो आंसर क्या आएगा, जीरो नहीं आएगा, नहीं। हाँ किसने बोला था अभी, टू ए, ए की वैल्यू एक्स की वैल्यू ए, y की वैल्यू माइनस ए, माइनस माइनस प्लस, आंसर क्या आ गया 2a। तो इक्वेशन ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, हाउ मेनी सच इक्वेशन यू कैन फॉर्म, इनफाइनाइट। सॉल्यूशन दिया हो तो इनफाइनाइट इक्वेशन बना सकते हैं, इक्वेशन दी हो तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बना सकते हैं, बट द इक्वेशन शुड बी इन टू वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल इक्वेशन विल ऑलवेज हैव वन सॉल्यूशन, ठीक है? तो ये इक्वेशन है, ऑप्शंस दी हो सकती हैं, आपसे कहेगा इसमें से कौन सी इक्वेशन इसकी है, या फ्रेम को करने को कहे तो आप खुद कर दो। और इक्वेशन बना सकते हैं, 2a 2x plus y की क्या बनेगी, अगर इसी की इक्वेशन ये बनाए तो यहाँ क्या आएगा, ये आएगा। और अगर 2x minus y करना हो तो क्या आएगा, 3 आएगा। ऐसे कितनी सारी इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है, क्लियर है? अब वो बताओ बीटा का आंसर कितना आया है, 2। 2-0 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5k, क्या मतलब है इसका, 2.0 इसका सॉल्यूशन है, क्या मतलब है इसका, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू क्या आएगा, k की वैल्यू 4 आ जाएगी। और अगर आपसे कहे k आ गया, इक्वेशन बनाओ तो क्या बनेगी इक्वेशन, k आ गया आपके पास 4, इक्वेशन क्या बनेगी, 2x plus 3y equal to 4, k की वैल्यू 4 पुट कर दो, इक्वेशन बन गई। इक्वेशन क्या होती है, ax plus by plus c होती है ना, तो इस यहाँ पे k की वैल्यू 4 पुट कर दो, इक्वेशन बन जाएगी 2x plus 3y minus 4 equal to 0, क्या रहा है बच्चे, वही चीज है जो सॉल्यूशन आया वही इक्वेशन में पुट कर देना है बस, और ठीक है।